हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है इसका पूरा पालन किया जा रहा है। इस वक्त हम हमीरपुर के साथ लगते गांवों में मौजूद हैं, आपको यहां का नज़ारा दिखाएंगे कि यहां हमारे पीछे बजूरी पंचायत पड़ती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बजूरी पंचायत के गाँव हैं और यहाँ पर पूरी तरह शांत वातावरण है, कोई यहाँ पर शोर नहीं है, ना लोग आपको घरों के बाहर दिख रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर हैं। और जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई है लॉकडाउन की कि आपने 21 दिन तक अपने घरों में रहना है, इसका पूरा पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गांव में यहां पे कितनी शांति है और कोई भी घरों से बाहर नहीं दिख रहा है। इसका सीधा सीधे तौर पे ये मतलब है कि लोग जो ये लॉकडाउन है इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और अपने घरों के अंदर ही रहकर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, एक अपडेट देना चाहेंगे कि हमीरपुर में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू की गई है जो कि 9 अप्रैल तक चलेगी और इसके दौरान जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा 537 टीमें गठित की गई हैं जो कि इसमें 1174 सदस्य घर घर जाकर अगले एक सप्ताह तक कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को ये भी जानकारी देंगे कि अगर किसी को कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उससे कैसे बचाव किया जाए। साथ में वो लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर किसी को खांसी है, जुकाम है तो उससे कैसे बचाव करें, क्योंकि ये खांसी जुकाम यही लक्षण आगे जाके कोरोना में तब्दील हो रहे हैं। तो फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से सचेत हो चुका है और उन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो घर घर जाकर हर लोगों से मिलेंगी, हर सदस्य से बात करेंगी ताकि जो कोरोना वायरस है इससे बचाव किया जा सके। वहीं आपको एक और जानकारी दे दें कि हमीरपुर जिला में अभी तक 49 लोगों को अपने वो क्वारंटीन किया गया है, उनके पूरी तरह से निगरानी में रखा जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल की जा रही है ताकि जो कोरोना वायरस है इससे बचाव किया जा सके। फिलहाल जो कोरोना वायरस है इसके बचाव के लिए पूरे जिला भर में जो टीमें हैं मुस्तैदी से काम कर रही हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी मिलकर इस जो कोरोना वायरस को हराने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। पुलिस की बात करें तो एसपी हमीरपुर अरजीत सेन, डीसी हरिकेश मीणा भी दिन भर जो अपनी टीम के साथ हमीरपुर जिला के दौरे पर रहते हैं और पल पल की अपडेट पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस को इसके लक्षण है कहीं दिखने पर या कोई संदिग्ध मरीज सामने आने की बात या अफवाहें फैल रही हैं इसके लिए भी जो उपायुक्त हमीरपुर है उन्होंने अपील की है जिला के लोगों से कि इस तरह की अफवाहों में ना आए, क्योंकि हमीरपुर में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मरीज सामने नहीं आया है। फिलहाल ऊना में 3 जो केस पॉजिटिव हैं उसके बाद हमीरपुर जिला भर के भी लोग दहशत में हैं, हालांकि यहाँ पर कोई भी मरीज इस कोरोना का सामने नहीं आने से हमीरपुर के लिए अभी तक ये राहत भरी खबर है।